एक जंगल में रानू नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब चिड़िया थी। बबलू जी देखो ना, हमारा घोंसला कितना कमजोर है, हमें कहीं और पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, से हम वहाँ अंडे दें तो हमारे अंडे सुरक्षित रह सकें। अब रानू चिड़िया और बबलू चिड़ा जंगल में कोई दूसरा पेड़ ढूंढ रहे थे। बबलू वहाँ देखो कितना अच्छा पेड़ है। इधर उधर देखने के बाद कोई पक्षी नजर नहीं आया। तभी उन दोनों ने आम के पेड़ पर ही अपना घोंसला बना लिया। अब रानू और बबलू उस आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर उन्हें बेचने भी लगे। अरे वाह वाह रानू चिड़िया, तुमने आम बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा है, अब हम सारे जंगल के पक्षियों को मीठे मीठे आम खाने मिलेंगे। धीरे धीरे सारे पक्षी रानू के आम खरीदने लगे। वह देखो रानू चिड़िया उस आम के पेड़ से तोड़कर कितने आम बेचती है। हम पहले कब्जा कर लेते तो यह मीठे आम वाला पेड़ आज हमारा होता। अब रानू चिड़िया उस आम के पेड़ पर से आम बेच बेच के धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई। भाई मैं रानू चिड़िया से आम खरीदने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप लोग उस चिड़िया से अब आम मत खरीदो, उसके आम बहुत ही जहरीले हैं। अभी अभी मेरा भाई उन आमों को खाकर मर गया। दूसरे दिन रानू चिड़िया का एक भी आम नहीं बिका। बबलू जी आज क्या बात है, हमारे आम लेने एक भी ग्राहक नहीं आया। दिन कालू कौआ का भाई कालू कौआ से मिलने आया, तभी कबूतर ने उसे देख लिया। अब कबूतर कहता है, अरे आप तो जिंदा हो, लेकिन कालू कौआ ने कहा आप तो मर चुके हो। किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ? तब कबूतर उसे सारी बात बता देता है। अरे कहाँ है वह कालू कौआ? अब कालू कौआ गुस्से में कौए के पास जाता है और कालू कौए को पकड़ के मारने लगता है। तब वहाँ जंगल के और भी पक्षी जमा हो जाते हैं। तब कालू कौआ अपनी गलती मान लेता है और रानू चिड़िया से माफी मांगता है। अब रानू चिड़िया का आम फिर से बिकने लगे। रानू चिड़िया की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसे संतान का सुख नहीं मिला था। रानू चिड़िया की सास बहुत अच्छी थी, कभी भी उसे बुरा भला नहीं कहती थी। माँ हमारा घर कितना सूना लगता है, क्योंकि अभी तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई है। तू ही तो हमारे घर की रौनक है और तू है ना मेरी बेटी। एक दिन रानू चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है, तब उसी के पड़ोस में रहने वाली कोरी कौवी कहती है, रानू अभी तक तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की दूसरी शादी करा दे, उनसे सतर्क रहा करो। अब रानू चिड़िया घर चली जाती है, तभी अचानक से उसको चक्कर आ जाते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी, आप बहुत ही जल्दी दादी बनने वाली हैं। यह खुशखबरी सुनकर तो उसकी सास फूली न समाई, अरे पक्षियों सुनो सुनो, बहुत ही जल्द मेरी बेटी माँ बनने वाली है। यह बात दूर खड़ी गौरी भी सुन रही थी। अब कुछ दिन बीतने के बाद, माँ जल्दी आओ मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। पर बेटी अभी तो तुम्हारे अंडे देने का समय बहुत दूर है। उसका पति उल्लू बैद जी को बुला के लाता है। अरे यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी बेटी के पेट में पूरे 12 अंडे हैं। रानो मैंने सुना है तुम पूरे 12 अंडे देने वाली हो, मेरी मानो तो इनमें से सारे बच्चे गिरा दो, बस 2 अंडे रख लो। तुम जा सकती हो मेरे घर पर, आज के बाद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर कई सारे दिन बीतने के बाद रानू चिड़िया पूरे 12 अंडे देती है और उस अंडों में से किलकारी गूंज उठती है। इस तरह रानू चिड़िया आज पूरे 12 बच्चों की माँ बन चुकी थी। रानू चिड़िया अपनी 2 बहन टुनटुनी और टूनी के साथ रहती थी। टूनी अब हमें इस घर में रहते हुए काफी दिन हो गए, यह घर अंदर से बहुत कमजोर है और कभी भी टूट सकता है, तो हम यहाँ से चलते हैं। अभी तीनों बहन पास के एक जंगल में चली गईं। तीनों को एक जगह 3 पेड़ मिलते हैं। पहला पेड़ आम का था और दूसरा सेब का और तीसरा सूखा था, जिस पे एक पत्ता भी नहीं था। टूनी और टुनटुनी जल्दी से फलदार पेड़ की तरफ चली जाती हैं। तब रानू चिड़िया देखती है तो उसे एक भी पेड़ नहीं मिलता है। टुनटुनी और टूनी यूं अलग अलग पेड़ पर मत जाओ, हम मिलकर एक पेड़ पर ही घोंसला बनाते हैं। नहीं नहीं अब हम बड़े हो गए हैं,
और हम आपको बचपन से बहुत झेल रहे थे, आपकी डांट और फटकार सुनते थे, अब हमें अलग अलग पेड़ पर ही रहने दो। वह दिन रात उस सूखे पेड़ पर पानी डालती और उसकी सेवा करती थी। दीदी यह क्या, आप बेशक इसकी चाहे कितनी सेवा कर लो, यह पेड़ आपको कुछ नहीं देने वाला है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम लोग मेरे भले की नहीं, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रही हो। दीदी आओ ना, हम दोनों मिलकर फल खाते हैं। टुनटुनी तुम मुझे फल नहीं दोगी, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। हाँ, हाँ दोनों तो एक दूसरे के फल कभी कभी आधे आधे खा लेती हैं, तुम हमें भला क्या दे सकती हो। बेचारी रानू चिड़िया उदास होकर अपने पेड़ पर बैठ जाती है। अब कुछ दिन बाद जब रानू चिड़िया देखती है तो उसके पेड़ पर थोड़े थोड़े पत्ते लगने लगते हैं। यह देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पेड़ की सेवा फिर से करने लगती है। एक दिन रानू चिड़िया देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके पेड़ पर बहुत सारे हीरे लगे हुए थे। हाँ हाँ रानू चिड़िया, तुमने मेरी दिन रात सेवा की है, यह इसका फल है। अब यह हीरे तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारा हूँ, अब तुम मेरे हीरे बेचकर कुछ भी कर सकती हो। तब रानू चिड़िया अब उन हीरों को बेचकर अमीर चिड़िया बन जाती है और दोनों बहनें टूनी और टुनटुनी उसको देखती रह जाती हैं। कबूतर भैया, कुछ ही दिनों में बारिश शुरू होने वाली है, हमें अब अपना पक्का घोंसला तैयार कर लेना चाहिए। अब रानू चिड़िया और कबूतर दोनों ने मिलकर एक पक्का घर बना लिया। दूसरे दिन बहुत ही तेज बारिश शुरू हुई, पास ही कालू कौवे और गौरी कौवे का भी घर था। बारिश इतनी तेज थी और उसके साथ तूफान भी था। यह तूफान रानू चिड़िया और कबूतर का घोंसला उड़ाकर ले गया। फिलहाल बरसात से बचने के लिए हमें एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, बारिश का मौसम है तो हमें सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी, इससे हम अपना घर भी नहीं बना पाएंगे। कालू कौवा के घर जाते हैं और बाहर दरवाजे पर आवाज लगाते हैं। कालू भाई, हमें थोड़ी सी जगह आज के लिए अपने घर में दे दो, बारिश बहुत तेज हो रही है। अरे जाओ, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो हमारे घर पर जगह मांग रहे हो, वैसे भी हमारा घर बहुत कमजोर है। तभी उनकी नज़र सामने एक पेड़ के सुराख पर पड़ती है। वहाँ देखो रानू, वहाँ पेड़ में एक कितना बड़ा सुराख है। दोनों पेड़ के सुराख में बैठ जाते हैं। अब बारिश कितनी भी तेज थी लेकिन उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। बारिश और तूफान और भी तेज होने लगा था। तभी कालू कौवा और गौरी का घर भी उड़ गया। अब कालू और गौरी दोनों बेघर थे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और रानू चिड़िया और कबूतर को देखकर गौरी कहने लगी, अरे यह लोग अपने आप को बचाने के लिए उस बड़े से सुराग में हैं, क्यों ना हम इनसे कुछ देर के लिए सहायता मांगे। तभी कालू कहता है, जब उनको घर की जरूरत थी तो तुमने उनके लिए मना कर दिया, अब हम किस मुंह से उनके पास सहायता मांगने जाएं। तब गौरी अपना सा मुँह लेकर पेड़ के नीचे रह गयी और दोनों रात भर यूं ही बारिश में भीगते रहे। रानू चिड़िया आज सुबह सुबह शेर करने के लिए निकली थी। रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है, तभी वह देखती है उस पेड़ पर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। रानू चिड़िया उस फूलों को तोड़ती है पर वह फूल उसके हाथ से गिर जाता है और नीचे जाके वह कलर में बदल जाता है। पक्षियों क्यों ना आज हम होली का त्योहार मनाए। और हम होली कैसे खेलेंगे, हम पर ना तो कलर है और ना ही पिचकारी है। तब रानू उन पक्षियों को उस पेड़ के बारे में बताती है। कबूतर और रानू चिड़िया उस पेड़ से फूल तोड़कर वहाँ ले आती हैं। जंगल में होली खेलना शुरू करती हैं। सब पक्षी आपस में फूलों से होली खेल रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहाँ से गौरी कौवी भी निकलती है और गौरी कौवी वहाँ रुक जाती है और चील को जगाकर कहती है, चील जी आपको किसने रंग लगाया है। क्या मेरे रंग किसने लगाया होगा, अब पता लगेगा उन पक्षियों को। चील को देखकर
सारे पंछी वहीं रुक जाते हैं। तुम्हारी मुझ पर रन फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? इस बात को सुनकर बॉरी बहुत खुश होती है। वह सोचती है अब तो रानी चिड़िया की मौत पक्की है और हम भी फूलों से होली खेल रहे थे, लेकिन हमें आपका ध्यान आया कि आप जंगल में सबसे बड़े पक्षी हो, तो हमारे लिए राजा के बराबर हो, लेकिन हम आपके बिना होली कैसे खेल सकते हैं? हमने सबसे पहले आपको रंग लगाया और उसके बाद फिर होली का त्योहार मनाने लगे हैं। बात चील को बहुत अच्छी लगती है। इस बात से चील बहुत खुश होता है। ठीक है, तुम सब लोग और होली खेलो। इस तरह रानो चिड़िया अपने सूझबूझ और चतुराई से अपने आप को और सभी पक्षियों को बचा लिया और जंगल में सभी लोग होली खेलने में मस्त हो गए और चुगलखोर गौरी अपना सा मुंह बनाकर वहां से चली गई।